टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने फैंस से माफी मांगी है। दरअसल दिनेश कार्तिक ने हाल ही में अपने ऑल टाइम प्लेइंग 11 का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने इस अपनी टीम में वर्ल्ड कप विनर कप्तान MS धोनी को प्लेइंग 11 में शामिल ही नहीं किया, जिसके बाद जब फैंस धोनी का नाम ना देखकर चौंक गए थे और कार्तिक की क्लास लगा दी। लेकिन अब दिनेश कार्तिक ने एक नए एपिसोड में ये बताया है कि उन्होंने धोनी को प्लेइंग 11 से बाहर क्यों किया था। कार्तिक ने आखिर में अपनी गलती मानी और कार्तिक ने ये भी कहा है कि भाई लोग बड़ी गलती हो गया, ये मेरी गलती थी, ये एपिसोड बाहर आया तब मुझे पता चला। कार्तिक के मुताबिक टीम बनाते समय उनके दिमाग में कई सारे विचार चल रहे थे, इसलिए वो एक विकेट कीपर को टीम में शामिल करना ही भूल गए। बाद में उन्होंने अनुमान लगाया कि मुख्य विकेट कीपर के ना होने पर राहुल द्रविड़ कई बार ये भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे में अगर एक बार फिर उन्हें राहुल द्रविड़ के कंधों पर ही जिम्मेदारी रख दी। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लिए बड़ी गलती थी। कार्तिक ने आगे कहा कि धोनी किसी भी फॉर्मेट में सबसे पहले आगे हैं। दिनेश कार्तिक ने आगे ये भी कहा कि उनके पास अगर दूसरी बार टीम बनाने का मौका होगा तो वो MS धोनी को नंबर 7 पर रखेंगे और टीम का कप्तान भी बनाएंगे। वहीं दिनेश कार्तिक ने आगे ये भी कहा कि मेरे लिए सब कुछ साफ है, थाला धोनी हर फॉर्मेट में लॉक है, सिर्फ भारत में ही नहीं मुझे लगता कि वो हर गेम में महान क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल है। अगर मुझे फिर से टीम बदलने का मौका मिला तो मैं बदलूंगा। MS धोनी नंबर 7 है और वो किसी भी भारतीय टीम के कप्तान रहेंगे। आपको बता दें कि अपनी ड्रेसिंग 11 टीम का ऐलान करते हुए दिनेश कार्तिक केवल MS धोनी ही नहीं कई और दिग्गज खिलाड़ियों के नाम भी भूल गए थे। इसमें उन्होंने सौरव गांगुली से लेकर वर्ल्ड कप 1983 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव का नाम भी नहीं लिया था। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि दिनेश कार्तिक ने ऑल टाइम प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों का नाम लिया था, तो उसमें आते हैं पहले वीरेंद्र सहवाग का, उसके बाद रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, अनिल कुंबले और आर अश्विन, जहीर खान, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी उनके ऑल टाइम प्लेइंग 11 में शामिल नजर आए थे।